अच्छी अंकल तो सच में जीने से यार, ये सब क्या क्या बनाया उन्होंने। पापा की रिसर्च एलियंस के ऊपर बहुत सॉलिड थी बंटू, हो ना हो हमें यहीं पे कोई क्लू मिलेगा। क्या कर रहा है बंटू? कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। अंकल की टेबल, क्या ये सब यार? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हॉलीवुड भाई, फुल हॉलीवुड। पापा का सीक्रेट मैसेज था इसमें, जब मुझे वो सुपर हीरो सूट मिला था। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा, मेरे को मालूम था कि यही मिलेगा कुछ। देख कनेक्टेड है। अंकल ये कॉन्फ्रेंस पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस दिन उनके साथ में ही था, इसी दिन से तो हमारे दिन तो सब कुछ बदल गया, सब उथल पुथल हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एज पर माई रिसर्च, इस यूनिवर्स में एक ऐसी पावरफुल रिंग है जो ना सिर्फ इंफिनिटी एनर्जी का सोर्स है, बल्कि उसमें इनविजिबिलिटी यानी गायब करने की शक्ति भी है। एंड एज पर माई फाइंडिंग्स, वो मैजिकल यानी मायावी अंगूठी इस समय पृथ्वी पर, या यूं कहूं तो इंडिया में है, शायद किसी माउंटेन रेंज के नीचे दबी हुई है। इस समय प्रायोरिटी है इस रिंग को किसी भी कीमत पर हासिल करना, इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे। वो कौन? एलियंस। क्या एलियंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है साइंस और माइथोलॉजी के बीच का लिंक। एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। इस वक्त उनका वास है शुक्र ग्रह यानी प्लैनेट वीनस, और वो असुर एलियंस इसी रिंग की तलाश में है। पापा कहते थे कि जिन्हें हम असुर कहते थे वही समय के साथ एलियंस बन गए। एनी क्वेश्चंस? बंद करो ये बकवास अमल नंदा, आप लोग देख क्या रहे हैं? ये आदमी कब से बकवास किए जा रहा है? असुर और एलियंस, गायब होने वाली रिंग, अब साइंटिस्ट नहीं फ्रॉड हैं। किसी ने पापा को नहीं समझा, सबने उन्हें कत्तार, चोर, फ्रॉड, अच्छा देख क्या क्या ना कहा। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि किसी भी कीमत पर हमें उस रिंग को हासिल करना है, इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे। Got it. मुझे मेरा जवाब मिल गया, मुझे सब समझ में आ गया बंटू। क्या? यही कि ये तो कंफर्म हो गया कि वो ब्रिज एलियंस ने तोड़ा था। ये भी समझ में आ गया कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हैं, क्यों मेरा नाम लिख रहे हैं, क्यों अर्थ पे आके ये सब तबाही मचा रहे हैं। आखिर उन्हें चाहिए क्या? तूने उनके दो पंटर लोग को मारा तो ये रिवेंज है ना? नहीं नहीं, देख अभी अभी पापा ने क्या बोला कि हमें उस रिंग को हासिल करना होगा इससे पहले कि वो यानी कि एलियंस उस तक पहुंच जाए। अमल, एलियन भटका लंबा, उन्हें भी रिंग और पापा की रिसर्च के बारे में सब पता था। मरते मरते उन्होंने पापा का नाम लिया और कहा एलियंस। रुद्र प्रकाश में भी एक एलियन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था
और उनमें से एक एलियन तो यहाँ सीक्रेट लैब में आ गया था बंटू। क्यों? क्योंकि पापा जिस रिंग को ढूंढ रहे थे और जिस रिंग के पीछे वो एलियंस हैं, वो किस्मत से मैंने डिस्कवर कर ली। मतलब समझा? वो एलियंस मुझे नहीं, इस रिंग को ढूंढ रहे हैं। अबे यार, तब ये कहानी है। पापा इस वक्त कहाँ हैं अंकल? एलियंस के साथ। कहीं एलियंस ने तो नहीं पापा को भटकल? अंकल ने भी कहा था कि पापा एलियंस के साथ हैं। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब एलियन से भटकल अंकल को मार दिया। क्या अंकल को भी एलियन से नहीं नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि पापा जिंदा है। बचपन से इसी गट फीलिंग के साथ तो मैं पापा को ढूंढ रहा हूँ। देखना, हम उनकी रिसर्च के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आई नो इट, कुछ नहीं होगा उन्हें। वो यहीं कहीं आसपास है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पापा कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। नफरत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। तेरे कारण इतना अपमान सहा कि नफरत हो गई है मुझे तुझसे। अब जब तक तुझे तेरी ही बिल से निकाल न लूं, तेरे इस शहर में तबाही चलती रहेगी और तब तेरे अपने ही तुझे मुझ तक पहुंचाएंगे। और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे, मैं उनके अगले हमले का वेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ये नया इंडिया है, ये सिर्फ सहेगा नहीं, मारेगा भी। इस बार पहली चाल हमारी होगी। इस बार होगा टीम एलियंस वर्सेस टीम हीरो। अब उन एलियंस को और तबाही मचाने नहीं दूंगा। धैर्य समाप्त हो रहा है अब। आ जा, जल्दी बाहर आ जा मानव। एलियंस से टकराने का टाइम आ गया है बंटू, और शायद यही तरीका है पापा तक पहुंचने का भी। बहुत हो गई रिहर्सल, अब सीधा टेक करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे फटा पोस्टर निकला हीरो। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, IWP। IWP? आई वांट पॉपकॉर्न ना बच्ची। अब क्या है ना, एक्शन फिल्म का क्लाइमेक्स हो रहा है, अब अपने को पॉपकॉर्न के बगैर मजा नहीं आता। मेरे पापा के दिए हुए नाम को बदनाम करने का नतीजा क्या होता है, अब वो एलियंस देखेंगे। सवाल बच्ची, सवाल। लेकिन यार, तुझे देखेंगे कैसे? तू तो दिखता ही नहीं है। मतलब कुछ कुछ सुपर हीरोज वो दिखते हैं ना। पॉइंट तो है यार, लेकिन उस रात इवेंट पे जो तू थोड़ा सा दिखा था ना, अरे क्या मस्त दिखा था तू। फुल पावर, फुल इंटेंस, फुल टशन। वो जैकेट पापा ने तो डिजाइन किया था मेरे लिए। अब यही सीक्रेट लैब में तो मिला था मुझे। अंकल ने डिजाइन किया था? हाँ। पेंट बताना। अरे यार, सुपर स्पाइडर शक्ति चमगादड़ सारे मैन को पीछे छोड़ दिया तूने तो। ढक लग रहा तू, एकदम टशन में यार। तू को एक नंबर बच्ची, एक नंबर। अरे अंकल, आप ना सचमुच जीनियस है, जीनियस। तुझे पता है बंटू, ये बना एक स्पेशल फैब्रिक से जिसे पापा ने खुद इन्वेंट किया है। ग्रेफीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉटन से भी ज्यादा लाइट। वो क्या होता था उस जमाने में, कर्ण और अर्जुन के कवच जैसा? बिल्कुल वैसा। ऑल प्रूफ।
अरे यार तू तो मतलब क्या लग रहा है यार, एकदम एकदम टशन वाला। एक काम कर, ऐसे ही चल चल। किधर? अरे वो नीले एलियन से सामने चल। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ऐसे गया तो एलियन मेरे साथ साथ मेरा चेहरा भी देख लेंगे और फिर अपनी लेजर बीम निकाल के मुझे। कोई चांस ही नहीं भाई, उनके सामने मुझे इनविजिबल होके जाना होगा बिल्कुल ऐसे। क्या यार मेरे साथ ही क्यों गायब मोड ऑन कर देता है? यहाँ है तू, क्या कर रहा है? देख रहा था कि तू मेरा असिस्टेंट बनने के लायक है भी या नहीं। असिस्टेंट? मस्ती मत कर बर्न्स। आइडिया, एक काम कर, रिंग उतार। क्या? रिंग उतार। हीरो को ऑर्डर दे रहा है? हीरो बंटा है सर जी, रिंग उतारिए प्लीज। मच बेटर। जैकेट उतारिए प्लीज सर जी। ये सर क्या कर रहा है? अभी काम कर, रिंग पहन। ले इसको, फिर जैकेट पहन। क्या? हीरो बंटा है सर जी, जैकेट पहनिए। ला। चल हीरो बंटा है, चल चल। क्या बोलते हीरो बंटा है, अपुन में भी कुछ बात है कि नहीं? ओह नाइस, मैं तो कितना ऑसम लग रहा हूँ। अब बता, अपना भी दिमाग चलता है ना? हाँ बच्ची, पर सुन, ये सब ताम जाम सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि अपनी एंट्री है पहली बार और सामने वाली पार्टी को देना है झटका। और इनविजिबल होने का फायदा क्या अगर ये जैकेट दिखता रहेगा? क्या सोच रहा है? पता नहीं यार, कुछ मिसिंग है। क्या? वो एलियंस, वो हमारे अर्थ पे आए, हमारा ब्रिज तोड़ा, तो तुझे भी तो कुछ बड़ा करना चाहिए। तू क्या तोड़ेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब कैसी बातें कर रहा है, हम अपने लोगों को नुकसान पहुंचाए? अरे वो नीले एलियंस हमारा ब्रिज तोड़ेंगे तो हम भी तो फोड़ेंगे। उन एलियंस के ना कान तक बात पहुंचनी चाहिए, ये हीरो भी कम नहीं। कान? हाँ? वीर, फाइटिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है भैया? पावर है। मारा 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 और ये गिरा। और वो फिर वहां से भागने लगा। मिल गया। थैंक गॉड। क्या? उस एलियन का कान मिल गया जिससे मेरी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। एलियन का कान? तूने एलियन के कान फोड़ दिए?
ये देख। दिखाना मुझे भी देखना है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? नाम मैं ठीक। देख तो। तू देखना बंटू, इस कान से मैं ऐसा कांड करूंगा कि उन एलियंस की बांड, ओ सॉरी, बैंड बच जाएगी और उनकी ईगो पे ऐसी चोट आएगी कि वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। अबे यार, अब क्या करें? वेट कर लेते हैं, कभी तो जाएंगे। अरे कब तक? पता नहीं, 2 मिनट, 2 घंटे, कल सुबह। इतना टाइम नहीं है बंटू, मैं रिंग पहन के निकल रहा हूं। आवाज बदली मतलब? अरे तो मैं क्या करूं? तू खेल इनके साथ चोर पुलिस, मैं तो चला। अरे उड़ते डिब्बे को अगर किसी ने देख लिया ना तो सबकी हवाएं उड़ जाएंगी। अभी कैसे रोकूं मैं हीरो बमाई को? बंटू ये पाटिल काम झाला काय? अरे चलो सर का काम करना है। बैटिंग से पहले जरा फील्डिंग की तो प्लेसमेंट चेक कर ली जाए। क्या रे, अब तो तुझे चीजें हिलती डुलती दिखाई नहीं देती। अरे बस क्या साहब, उस दिन चढ़ी हुई थी मेरे को, कोई मेरा भेजा थोड़ी हिलाए। चाइला आज फिर? साहब, ओ साहब, साहब वो देखो। कुछ नहीं साहब। फिर निकल तो नहीं गया? तुम अरे खर्राटे आते हो, क्या करूं सर, सो नहीं मैं, मर जाऊं क्या? बाहर जाके सो ना सोफे पे। अरे भाभी जी आप क्या बात कर रही हैं? हाँ आप भाई साहब को अपने रूम से ही निकलवा रही हैं, कितनी नाइंसाफी है ये। ए, क्या इधर बात कर रहे हैं आपसे? हेलो आपसे बात कर रहा हूँ। आपको मैं वो एनजी एनजीओ से। कौन सा? जेपीजे, जागो पति जागो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आई शपथ फिर से ही ना। ओ देवा, ओ देवा, देवा, साहब, साहब वो बक्सा है ना, साहब वो फिर से ही लाओ बक्सा साहब। तेरा मचमच फिर से चालू हो गया? आधी रात को मेरा दिमाग दही किया ना तो तेरी लस्सी मैं बनाऊंगा, समझा? एक काम कर रहे सारे। ए, अब क्या? अब वो 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 अब सर मेरे को ना FIR लिखाना था सर। किस बात के लिए? अब वो मेरे कच्चे चोरी हो गए सर। मेरे जो पड़ोस वाले अंकल है ना, उन पर शक है, उनको ना मेरी नई ब्रांडेड चट्टी पर आग थी। आधी रात को यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जा घर जा, सो जा।
सोई तो नहीं पा रहा हूँ सर मैं। क्यों? वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तेरा इलाज कराता हूँ। ओले, वो 302 नंबर का जो लॉकअप है उसमें एक आदमी के लिए जगह खाली है ना? अरे एकदम एडजस्टेड और फाइन। और निकलता हूँ, निकल ले। आज तो जिंदगी भर के लिए तेरा नशा उतार ही दूंगा। मेरे साथ खेल खेल रहे ना? खेल आ जाएगा। अरे सर, तो गलती होगी सर, गलती होगी सर। चल तू, चल। बच गया। वीर, मैसेज कान का करेगा क्या? कुछ ऐसा कि उन एलियंस के कान खड़े हो जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.